तो ये इंक हमारी कैसे इस्तेमाल करनी है एक बार इसके बारे में बताता हूँ आपको कि मैंने खुली हुई शीशी रख रखी है यहाँ पर। अधिकतर तो ये इंक बैच क्वार्टर मशीन जो रखी हुई है इस तरीके की मशीनों पर काम करती हैं जो कि बैच नंबर होते हैं इस तरीके के जो अलग अलग चीज़ों पर इस्तेमाल की जाती हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करनी है। किसी भी चीज़ पे इस्तेमाल करेंगे, ये लोहे पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसको स्टील पर। इसको हम लोग लोहे पर, लकड़ी पर, प्लास्टिक पर और शीशे पर, इन सब पे इस्तेमाल हो जाएगी। दूसरा, ये वाटर प्रूफ है पूरी की पूरी, ये खराब नहीं होगी ना छूटेगी। ये देखिए हाथ की हाथ सूख जाती है, हम इसे कितना भी रगड़ेंगे कुछ भी करेंगे छूटेगी नहीं। स्टाम्प पैड पे यूज कर सकते हैं इसको, जैसे इस तरीके के स्टाम्प पैड होते हैं, ये नॉर्मल स्टाम्प पैड होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाम्प के अंदर डालने वाली किसी भी चीज में काम नहीं करेगी, जैसे वो कोई भी स्टाम्प होती है उसके अंदर डाल के यूज करेंगे वो नहीं करेगी काम। और ये हाथ की हाथ ही लगभग एक दो घंटे में उड़ जाएगी। उसके बाद अगर किसी कारणों से हाथ पे लग जाती है या हमें इसको साफ करना है, मतलब लगी हुई इंक को साफ करना है पहले से, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही एक ये थिनर जैसा एक केमिकल आता है, पानी से साफ़ नहीं होगा पर इसी से साफ हो जाएगा तुरंत। कई बार हाथ पे लग जाती है या किसी चीज़ पे लग जाती है तो उसको छुटाने के लिए ये काम आएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।